आज फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का आरपीएससी ने जो पेपर कराया है सेकंड पेपर, वो उदयपुर में आज फिर आउट हो गया। यद्यपि आरपीएससी ने परीक्षा निरस्त कर दी, लेकिन ये समस्या का हल नहीं है। उदयपुर में पूरी एक गाड़ी में 40-50 लोग पेपर को आउट कराने के लिए शहर में घूमते हुए, बस में उसके सारे प्रिंटिंग साधन, पेपर आउट कराना, उसको वापस हल करके उसका उत्तर देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ की पुलिस ने पकड़ी है। अब ये घटनाएं सरकार के लिए भी कलंक है और हम सब जो शिक्षा के जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका अफसोस है। इतनी बार पेपर आउट हो जाने के बाद बच्चा जब तैयारी करके परीक्षा के लिए जाता है और वहाँ जाने के बाद ये रहता है कि इस पे पेपर आउट हो गए, तो निरस्त किया जाता है। इस पीड़ा को सरकार न समझ रही है, न परीक्षा करने वाले समझ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण से ये पेपर इन गैंगों के हाथ में चला जाता है और ये गैंगें इसको पेपर को बेच करके पैसा कमाने का धंधा करती है। इसका मतलब रैकेट बहुत बड़ा है। पहले भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं और आज 9वां हुआ है। उन बच्चों की पीड़ा को समझिए और समझ करके सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे।